तो अभी तक हमने जो भी आइडेंटिटीज़ पढ़ी हैं जैसे कि x प्लस वाई होल स्क्वायर x माइनस वाई होल स्क्वायर वो सभी बाइनोमियल्स के स्क्वायर्स थे अब मान लीजिए कि अगर हमारे पास कोई ट्राइनोमियल है x प्लस वाई प्लस जेड और हमें उसका स्क्वायर निकालना है तो ऑब्वियसली आप इसको मल्टीप्लाई करके भी एक्सपैंड कर सकते हैं बट क्या इसके लिए हमारे पास कोई जनरल आइडेंटिटी है हम ये देखते हैं अगर हम यहाँ पे x प्लस वाई को t मान लें तो हमारा ये एक्सप्रेशन बन जाएगा टी प्लस जेड होल स्क्र और अब ये एक बाइनोमियल का स्क्वायर बन गया है जिसके लिए आप आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं तो ये हो जाएगा टी स्क्वायेयर प्लस टू टी जेड प्लस जेड स्क्वायेर और अब आप यहाँ पर x की एक t की वैल्यू x प्लस वाई सब्सटीट्यूट कर सकते हैं तो जब हम t की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे हर जगह पर तो हमारे पास ये कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन आ जाएगा अगर हम इसको रीअरेंज कर दें तो हमारे पास इस एक्सप्रेशन की आइडेंटिटी आ जाएगी जो है एक्स प्लस इज इक्वल टू एक्स स्क्सर प्लस तो अब हम देखते हैं कि हम x प्लस वाई होल क्यूब को कैसे सॉल्व कर सकते हैं आप इसको सिंपली लिख सकते हैं x प्लस वाई होल स्क्वायर इन टू एक्स प्लस वाई और x प्लस वाई होल स्क्वायर की आइडेंटिटी आपको पता है ये हो जाएगा स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और अब हमें इस पूरी चीज़ को x प्लस वाई से मल्टीप्लाई करना है जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे और लाइट टर्म्स को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब यहाँ पर ये जो दोनों टर्म्स हैं थ्री एक्स स्क्वायर वाई और थ्री एक्स वाई स्क्वायर आप इन दोनों में से थ्री एक्स वाई कॉमन ले सकते हैं और फिर आपका एक्सप्रेशन बन जाएगा एक्स प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई और ये आपकी नेक्स्ट आइडेंटिटी है अगर आप यहाँ पर y की जगह पर माइनस वाई पुट कर दें तो आपको x माइनस वाई होल क्यूब का भी एक्सप्रेशन मिल जाएगा वो हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई इंटू एक्स माइनस वाई आप x- माइनस वाई होल क्यूब के एक्सप्रेशन को भी इस तरीके से डिराइव भी कर सकते थे पर सिंपली आप यहाँ पे y की जगह माइनस वाई पुट करके भी ये चीज़ निकाल सकते हैं